पुणे ग्रामीण पोलीस दलाचे पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख सर के मार्गदर्शन में हम लोग ये एंश्योर कर रहे हैं कि लोनावला डिवीजन में पुणे ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट के हद में वोटिंग फेयर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में हो, और उसके लिए सफिशियंट पुलिस पर्सनल और होमगार्ड्स हम लोग और सीएपीएफ का पर्सनल भी हम लोग ने डिप्लॉय किए हैं। 750 से 800 तक के आसपास पर्सनल हम लोग ने डिप्लॉय किया है, और इसके साथ साथ कोई भी वोटर्स पे किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस या प्रेशर ना हो उसके लिए हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि कोई बाहर से आदमी गांव में अंदर आके रुके या किसी का तरह तरह का दबाव ना डाले वोटर्स के ऊपर। तो उसके लिए हम लोग कंटिन्यूअस चेकिंग्स कर रहे हैं, सरप्राइज चेकिंग्स कर रहे हैं, पुलिस पार्टीज को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। उसके साथ जगह जगह पर हम लोग नाकाबंदी लगा रहे हैं, एसएसटी पॉइंट्स, एफएसटी पॉइंट, इंटर डिस्ट्रिक्ट नाकाबंदी, ये सब हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि ये एक्टिविटीज के कि कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो, जैसे पैसों का वाटअप या कोई इलीगल आर्म्स का ट्रांसपोर्टेशन या यूसेज या कोई ड्रग ऐसे इलीगल एक्टिविटीज ना हो, तो उसके लिए हम लोग कंटिन्यूअस नाकाबंदी से सब इंश्योर कर रहे हैं। उसके साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इनिशिएटिव्स भी, जैसे फुट पेट्रोलिंग, रूट मार्च, एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइजेस हम लोग रेगुलरली सीएपीएफ और जो कर्नाटक एसएपीएफ के प्लाटून्स हैं उनको यूज करके हम लोग ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी इंश्योर कर रहे हैं। तो इससे हमारा एक ही मकसद है कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में ये इलेक्शन ईसीए के गाइडलाइंस के हिसाब से, और उसके लिए पुलिस यंत्र ना पूरा पुणे ग्रामीण के ज्यूरिस्डिक्शन में पूरा तैयार है। मावल डिवीजन जो है वो हिस्टोरिकल प्लेस है और ब्रिटिश का ज्यादा है। हर हर टाइम जब देखा जाए कि वोटिंग के दिन लोग वोटिंग तो नहीं जाते लेकिन बिजली का हिस्टोरिकल प्लेस पर जाते, तो उस टाइम उस दिन उस वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन है या कुछ? ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, टूरिस्ट को ऐसे लोनावला में आने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, बट मतलब ईसीआई के तरफ से भी और आरओ सर के कांटेक्ट में भी ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, बट जो लोनावला के लोनावला डिवीजन के जो इनसाइडर्स है वहाँ के रहने वाले वो सब वोटिंग करेंगे, उसके लिए स्वीप एक्टिविटीज ये सब भी चालू है, तो रेस्ट्रिक्शंस एज सच तो कोई नहीं। क्या हो रहा है कि चुनाव आयोग अभी इस इलेक्शन पे इवेंट करके मना रहा है, तो इवेंट करके मना रहा है तो हर टाइम लोग छुट्टी छुट्टी देते हैं वोटिंग जाते हैं, लेकिन अब कई पिछले इलेक्शन से इलेक्शन के दिन वोटिंग के दिन छुट्टी नहीं दे सकते, वो छुट्टी का इस्तेमाल लोग पिकनिक के याद कर रहे हैं लेकिन वोटिंग के लिए नहीं जा रहे, इससे वोटिंग का जो स्तर है वो घटता जा रहा है, उस हिसाब से वो वोटिंग का स्तर बढ़ाने के लिए क्या होता है? पुलिस के तरफ से हम लोग जो स्वीप एक्टिविटी है जो वोटर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और लोगों को वोट करने के लिए जागरूक करने के लिए जो एक्टिविटीज है उसमें पुलिस भी एक्टिवली इन्वॉल्व है, खास करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू वो एक्टिविटीज आयोजित किया जा रहा है, बहुत सारे जगह में लोनावला में भी वो आयोजित किए गए, और हम यही आशा करते हैं कि लोग ज्यादा संख्या में आए और वोटिंग के खिलाफ भी देखे जाए तो इलेक्शन से पहले माहौल है क्रिमिनल लैक ज्यादा हुआ है, तो उसी हिसाब से फिर लोगों को मार दे। हम लोग जगह जगह पे चार पुलिस स्टेशन पुणे ग्रामीण के हद में आते हैं, कामशेत, वड़गांव, मावल, लोनावला सिटी और लोनावला ग्रामीण, चारों पुलिस स्टेशन के हद में सफिशियंट रूट मार्चेस लिए हैं, फुट पेट्रोलिंग किए हैं, और जो क्रिमिनल्स ऑन रिकॉर्ड क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर हम लोग ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किए हैं, और ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी आर्म्स या क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको हम लोग रेगुलर चेकिंग कर रहे हैं, चेकिंग करके उनको ये इंश्योर कर रहे हैं कि कोई फियर एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट ना हो और वोटर्स के लिए वो इफेक्ट ना हो।